तो सीन कुछ यूं है कि भाई आज जो है ना हमारे घर पे पकने वाले हैं स्पाइसी दाल चावल विद ग्रीन चिली। ये देखिए गाइस, ये इस तरह लेके इसके अंदर डालनी है इसे। की गलती थी ना, यहाँ पर खुद ने जलाई थी। अगर हमने जलाई होती ना, एक फ्लाइंग चप्पल आ रही होती है। तुम लोगों की आंखें नहीं है, मिर्च अच्छी है। स्पाइसी दाल चावल विद ग्रीन चिली। तो भाई हमारे यहाँ जो है ना सीन ऐसा होता है कि हम लोग जब दाल चावल पकाते हैं ना, तो हम लोग सारे जितने भी वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, नट बोल्ट मीन्स हमारे पापड़ियाँ होती हैं हर तरह की, और मिर्ची होती हैं, मिर्चे भी वो वाली पकाते हैं, वो स्पाइसी वाली। बिल्कुल आप लोग देखेंगे आगे, हम उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हम लोग अचार, चटनी, सलाद सब कुछ रखते हैं। तो भाई आज जो है ना हम लोग स्पेशल दाल चावल बनाने वाले हैं और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं। और जिस तरीके से हमारे दाल में जो है ना बघार लगाती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी, इतनी ज़्यादा मिर्चे वाली हम लोग ये चीज़ें बनाने वाले हैं, खाने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मम्मा जो है ना जब भी बनाती है ना, ये हर बार अलग टेस्ट होता है, हर बार हमें बहुत मज़ा आता है। तो गाइस ऐसे ही सीन्स होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हम लोग जो भी सीन्स होने वाले हैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है कि हम मिर्चे बनाने वाले हैं, मिर्चों में मसाला लगाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा मसाला, कौन सा यूज़ करते हैं मसाला मिर्चे भरने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं क्या सीन्स हैं। यहाँ जो है ना हम लोग कर रहे हैं मिर्चे बनाने की तैयारी, क्योंकि अगर हम दाल चावल बनाएं और उसके साथ मिर्चे ना हो तो मज़ा ही नहीं है। तो यहाँ हम बना रहे हैं स्पाइसी मिर्चे। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या स्टेप करना है भाई, सबसे पहले तो मिर्चे आपने धो लेनी है। इसको अच्छी तरीके से धो के इसके बीज की कट लगा कर, और ये बीच में से ये सारी जो ये है ना बीज, ये निकालने। ठीक है, ये एक एक मिर्च आप करके दिखा दें, जैसे एक मिर्च के ना कट लगाए, ये ऐसे कट लगाया। कट लगाने के बाद इसके अंदर जो ये बीज है ये निकाल दें। अच्छा ठीक है, ये कितनी मिर्च ली आपने? एक पाव। एक पाव मिर्चें ली, मैं उसमें सब मैं कट लगा लूँ आप लोग। ठीक है, और मसाला हम दिखाते हैं आपको, खुद अपना हमारा बना हुआ मसाला है, मेरा अपना खुद का बना हुआ मसाला है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें अचार गोश्त का मसाला भी डाल सकती हैं, और वैसे बने बनाए मिलते भी हैं बाज़ार में। लेकिन अगर मेरी उससे बना के खाएंगी, मेरे मसाले से, तो बोलेंगी वाह बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग यूज़ करते हैं घर का मसाला ना, मम्मा खुद बनाती है। हाँ, मैं खुद बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि आप मेरी रेसिपी से बनाएं, तो मैं आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में आप कमेंट्स करिएगा, तो मैं आपको अपना मसाला बना के दिखाऊंगी, मेरा जो अपना जाती है। चलो ठीक हो गया। चलो जी, अभी इन सब जितनी भी ये सारी मिर्चें ना हमारी, इन सब में हम लोग ये कट लगा के इसके बीज निकालने वाले हैं। बीज निकालने के बाद हम इसमें मसाला लगाएंगे, और जब हम मसाला लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है ना हमारी मिर्ची सारी कट हो गई है। ये रहा जी हमारा होममेड मसाला, जो कि मम्मा ने खुद बनाया हुआ है। मम्मा इसकी रेसिपी कब दे रही हैं आप? फिर जब गाइस वो करेंगे, कमेंट्स करेंगे। हाँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने मसाला अपना कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिर्चों में डालना है। फिर हम इसको जल्दबाजी में ज्यादा नहीं डाल लेना, नहीं नहीं कहीं पता चले, नहीं अंदाजा है इतना। ये देखें गाइस, ये इस तरह लेके इसके अंदर डालनी है इसे। ठीक है, अभी हमें सारों में डालनी है इसे थोड़ी थोड़ी ऐसे, और ये थोड़ा हाथ बचा के, क्योंकि इससे जो ना ये वाली ग्रीन चिली जो होती है ना वो बहुत नहीं, तेज होती है। मैंने बीज निकाल दिया, शुरू में दिखाया मैंने गाइस को, ये बीज निकाल चुके हैं। देखे खाली है बिल्कुल, सिर्फ ये पूरी पूरी मिर्च खानी है दाल चावल के साथ, और दाल चावल के साथ इतनी यम्मी लगती है ना। बस अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाऊंगी। ठीक है, ओके। तो भाई इन सब में मसाला लगने वाला है, ये वाली सारा मसाले का कमाल है। हाँ, ये मम्मा का होममेड मसाला है, इन सब का सारा कमाल है। और ये सारी मिर्च हम लोग भर लेते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को कहाँ मिलता है फ्राई करते हुए किचन में। तो भाई यहाँ जो है ना हमारे किचन में दाल का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। मम्मा कहाँ तक पहुँची आपकी दाल? बस बघार लगाने जा रही हूँ। चलो जी, बघार के लिए हमें चाहिए होगी पहले इमली, और इमली का पानी, इमली चाहिए, इमली का पानी, इमली का पानी, सिर्फ इमली का पानी। तो भाई यहाँ देख रहा, यहाँ क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? वीडियो। तो भाई यहाँ टिकटॉक्स बन रही है इन लोगों की, देखो बहुत ही कोई माशाल्लाह फजूल काम है।
तो यहाँ पर इन लोगों की टिकटॉक बन रही है और मैं और मम्मा जो है ना हम दोनों आज मिलके खाना बना रहे हैं और आधी मेहनत मेरी थी और आधी मम्मा की है ना मम्मा, सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये देखिए भाई इमली का पानी डालना है, तो भाई यहाँ जा रहा है इमली का पानी इसके अंदर, ठीक हो गया, बीज नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ऐसे करा। मम्मा हमारे किचन में हाइड्रेशन नहीं है, ग्लव्स पहनने चाहिए था आपको, आइंदा से ख्याल रखेंगे। यस ओके, यस बेबी। चले जी, पहले हमने डालना है बघार के लिए। अब मैं आपको पूरी दाल तो बनाना नहीं सिखा रही, लेकिन मैं आपको बघार लगाना सिखा रही हूँ। तो बघार में हमने क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी इमली लेनी है, इमली के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, प्योर वाटर जो होता है, और उसको अच्छे से मिक्स करके ना उसका पानी बना लेना है, और आपने फिर उसको दाल में ऐड करना है, क्योंकि इससे जो ना आपकी दाल जो ना एकदम खटास चटपटी सी, मतलब यू नो एक खटासपन आ जाएगा, तो आपने ये ऐड करनी है लाजमी, ताकि आपकी जो दाल है ना वो एकदम चटपटी चटखारेदार हो। हाँ जो है ना हम लोगों ने ये चॉप कर लिया, ये क्या होता है, लहसुन, लहसुन, और ये क्या है, साबुत मिर्ची, सॉरी गाइस पता नहीं है ना आपकी कराची लड़की को। और ये हमने जीरा ले लिया 2 चम्मच बघार के लिए, सब बघार के लिए चीज़ है, 2 लहसुन के पीस लिए, और बाकी ये कौन सी मिर्ची थी पता नहीं, साबुत मिर्ची, हाँ साबुत मिर्ची, और ये जीरा लिया। अब इसको हम बघार लगाएंगे, चलो ये रहा जी हमारा क्या कहते हैं उसको, फ्राई पैन। हाँ अब देखें जीरा तो जल्दी से वो ब्राउन हो जाता है ना, इसलिए पहले लहसुन डालेंगे। ओके हो गया, पहले लहसुन आएगा। हाँ और उसके बाद ये साबुत मिर्ची आएंगी, ठीक है अब इनको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, ब्राउन कर लेना है, ठीक है, लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट। अब ये ऐसे हो जाएंगे ना, अब इसमें बिल्कुल आखिर में जीरा जलेगा। चलें जी अब जीरा डाल लेते हैं, ओके हो गया, ये हो गया हमारा, खुशबू कैसी आ रही है बघार की, जबरदस्त। अम्मा अगर इसके साथ पापड़ी हो जाए, हाय हाय हाय, लजीज चटनी, तो भाई ये हो गया हमारा गोल्डन ब्राउन, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप लोग, और ये रही हमारी दाल। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको वो नहीं लगाना आता ना, क्या कहते हैं उसको, दम बगार, बगार, जिसको दाल में बगार नहीं लगाना आता, वो हमारी किचन एक्सपर्ट आसिया सिद्दीकी से सीख सकते हैं, मिसेस अकील सिद्दीकी आपको सिखाएंगी कैसे दाल में बगार लगाया जाता है। तो हमने आपको फुल तरकीब बता दी है भाई, फुल रेसिपी आपके सामने बगार की, इतना सिंपल सा है, और अगर आप कहेंगे तो हम आपको दाल की रेसिपी बताएंगे, और अभी हम लोग उसको रिव्यू भी करेंगे कि भाई क्या टेस्ट है, क्योंकि मम्मा जब भी बनाती है ना ये दाल चावल, तो हर बार अलग टेस्ट होता है, और इतना मजे का टेस्ट होता है ना पूछो। फर्स्ट थिंग ये है कि हम लोगों ने पहले दाल तैयार करनी थी, तो दाल में हमने बघार वगैरह भी लगाना, तो दाल में बघार वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड चीज़ हमारी सबसे फेवरेट, हम पूरी फैमिली की फेवरेट, हम लोगों ने मिर्ची तैयार करनी है, तो उससे पहले हमने लेना है इसमें ऑयल, ठीक है, 1/2 कप ऑयल लेके हमने इसको फ्राई पैन में रखना है, मतलब डालना है। और वेयर इज हमारी मिर्ची मामा, मम्मा हमारी मिर्ची किधर है, कमरे में ना, कमरे में, चलो जी, क्योंकि हम लोग अगर दाल चावल बनाते हैं ना, तो उसके साथ पूरे इंग्रेडिएंट्स पूरी चीजें रखते हैं, मींस उसके साथ हमारी पापड़ी होती है, दाल चावल के साथ हमारे वो मिर्ची होती है, सब कुछ होती है, सब कुछ, मतलब इसी में तो टेस्ट है यार, दाल चावल खाने का मजा ही इसमें। ये रही हमारी मिर्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी मम्मा अब इसको हम लगा रहे हैं, क्या करते हैं थोड़ी देर, ये थोड़ी गल जाएंगी, ओके हो गया। तो भाई हम लोगों ने मिर्चों पे जो ना मसाला लगा दिया था, मसाला हमने लगाना भी दिखा दिया आपको, कैसे लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया, और कितनी देर के लिए रखा था इसको, 5-10 मिनट के लिए ना, 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हमने मसाला लगा के रख दिया था मिर्चों को, और अब जो है ना हम 15 मिनट बाद इसको फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी दिखाएंगे, और हम आपको दम, अब हम दम की तैयारी कर रहे हैं, दम लग गया, ठीक है जी, अब इसमें हमने दम लगा लिया, दम कितनी देर के लिए लगाना है, बस ब्राउन से होने लगे, बस चेक करना है, 10 मिनट बाद हो जाएंगे, चलें ठीक है। अब जब आपको पता लगना शुरू हो जाए ना ये पक गई है ठीक तरीके से, मतलब 10-5 मिनट के बाद, तो आप लोगों ने चेक करना है और उसको उतार लेनी है, और जो उसकी स्मेल होगी, खुशबू होगी, और इसका चटखारापन, वो तो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ रिव्यू के साथ साथ। चलिए अब चलते हैं, वेट करते हैं अपनी
दाल चावल और मिर्चों का जब तक ये दम लग रहा है तब तक हम थोड़ी सी ना फनकारी मार लेते हैं, देखते हैं क्या क्या सीन है, वो आपको सब दिखाते हैं। गाइस हुआ कुछ यूं कि थोड़ी देर पहले जो है ना हमारे घर में मेहमान आ गए, हम लोग गेस्ट में बिजी हो गए, किचन में से इतना खतरनाक धुआं आ रहा था जब मैं और मम्मा भागते हुए किचन में आया तो पता चला कि हमारी जो है ना मिर्चें जल गई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह, तो कुछ ये हशर हुआ हमारी मिर्चों का, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, हमें ऐसी सिक्की सिक्की चाहिए थी। अच्छा खराब हो गई तो ऐसी सिक्की सिक्की चाहिए थी। तो भाई हमारी मिर्चों का ना खलास हो चुका है, हम लोग मेहमानों में बिजी थे और यहाँ पर इनकी जो है ना मिर्चें जल गई, लेकिन फिर भी ये खाने लायक है क्योंकि यू नो क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी। चलो जली नहीं है, ये देखें ये किस तरह से हो रही है, बिल्कुल गल गई है ये। हाँ हाँ अब तो गलेंगी, खुद की गलती जो थी है, अब खुद की गलती थी तो मसाला चेक करो। हाँ गाइस आप कुछ थोड़ी बोलने देंगी, खुद की गलती थी ना, यहाँ पर खुद ने जलाई थी, अगर हमने जलाई होती ना ये फ्लाइंग चप्पल आ रही होती है, तुम लोगों की आंखें नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो भाई आप क्या कर रही हो? चावल। अब चावल की बारी है, दाल रेडी हो गई है हमारी और क्या रेडी हो गया हमारा, मिर्ची रेडी हो गई है, अब थर्ड चीज मेन चीज चावल, क्योंकि दाल जो है ना चावल के साथ ही मजा देती है, रोटी के साथ इतना मजा नहीं देती। तो अब हम जा रहे हैं जी चावल बॉईल करने, चावल जैसे ही रेडी होते हैं तुम चले जाओ पहले, तो चावल जैसे ही रेडी होते हैं हम लोगों ने पेट पूजा करनी है, ठीक है जी, तो हम आपको मिलते हैं थोड़ा सा आगे, मीन थोड़ा सा यू नो दस्तखान शस्तखान पे, अब जल्दी जल्दी बॉईल करते हैं आपसे मिलते हैं। मेरा दस्तखान लग रहा है, मीन्स दस्तखान प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर, और यहाँ हमारी मम्मा ने स्पेशल हमारे लिए बनाया है, ये बनाए या मंगवाए? बनाए, चपली का चपली का बनाए, वाओ नाइस, घर वालों को ही नहीं पता। और ये हमारी पापड़ी आ गई है, यू नो दाल चावल के साथ जो है ना ये मस्त है मस्त। तो भाई अब जो है ना सॉरी गलती से हुआ, अच्छा ये वाली पापड़ी हमारी जो हम लोग यू नो चने छोले के साथ खाते हैं वो है, और ये वाली फुंगनिया कहते हैं इसको ना, पाकिस्तान में इसको कहते हैं फुंगनिया, वो बनाई है, क्या था वो फुकनी, हाँ फुंगनी। तो ये चपली का दोबारा से आ गई है, मम्मा ने मिर्च बनाई थी, और ये वाले जो थे ना हमारे राइस, ये बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं मम्मा के हाथ की। तो भाई अब जो है ना हम आपको निकालेंगे टेस्ट करके बताएंगे कि भाई क्या चीज़ है, क्योंकि हमसे रहा नहीं जा रहा, इतनी सारी चीज़ देख के बंदे की नियत तो पिसल जाती है, और देसी खाना हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रुक जाएं, और देसी में हमारी अभी हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं जैसा कि आपको पता है, तो मेहमान अभी जो है ना हमारे साथ दाल चावल ही खाएंगे, सही है, ये लोग बगैर बताए आई है इसलिए इन लोगों को सजा मिली है कि इन लोगों को भी दाल चावल खाने पड़ेंगे, घर का खाना सबसे अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि देसी खाना जो होता है ना वो बिरयानी को भी फेल कर देता है, मतलब दाल चावल सिर्फ और बाकी कुछ नहीं। चलो जी जल्दी जल्दी निकालते प्लेट में और खाते हैं, बिरयानी से बेहतरीन दाल चावल, या तो जल्दी जल्दी निकालते हैं अब खाते हैं, ठीक है चलो जी निकालो तुम लोग हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह ये दस्तखान लग चुका है, ठीक है ये सब हमारे आज दस्तखान में चीजें हैं, और ये आ गई हमारी काली दाल, अच्छा पकड़ना भी हमें, ये लो भाई। तो भाई आज जो है ना हमने ये सब चीज़ें इस खुशी में बनाई क्योंकि मुस्फरा की बर्थडे है, और मुस्फरा की बर्थडे में हम देने वाले हैं उसको दाल चावल का सरप्राइज, प्लेट लो ना मेरी मेहमान आए में, ओह अच्छा अच्छा सॉरी तो भाई ये सब चीज़ें, और अभी जो है ना हम लोग अपना निकालेंगे, लाओ मैं प्लेट दे दो जरा, मुझे कैसा लगा आपको सरप्राइज, इसी के गेस्ट आए हैं आज, बहुत अच्छा, और आपको हमने दाल चावल खिलाई आपकी बर्थडे पर, सोचो क्या मकाम है आपका दाल चावल में, और आपके लिए खास चपली कबाब मैंने सरप्राइज बनाया कि मम्मा हाँ 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 लेवल ही नहीं है कोई, चलो चलो निकालो अभी थोड़ी ना कल है तो रात के 12 बजे तुम्हारी अम्मा सरप्राइज देंगी तुम्हें, हम तो ना दे सके, हमारे पास तो पैसा नहीं है भाई, तुम्हारी दोस्तों के पास ही है तो वही दे सकती है। चलो निकालो मेरे लिए निकालियो ना, थैंक यू, देखो कितनी अच्छी लग रही है, नहीं 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 लेगी इजी हो, तो भाई ये आ गई है हमारे खाना निकालते हैं अब हम, मुझसे दूसरों को भी मौका दो, चलो हटो शाबाश छोड़ो, ये मम्मा के हाथ की फ्रेश फ्रेश दाल, आहा हा 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 से वीडियो, बेटा तुमसे तो अच्छा खाना बनाती मेरी माँ, तुमने तो एक बार भी ना बनाया, कैसे लड़ लो बाबा ब्लॉग के लिए लड़ ले है ना, चलो जी ये रेडी हो गई हमारी प्लेट के अंदर, थोड़े से हम
पापड़ी शामिल डालेंगे, ये डालेंगे प्याज, ओके, और ये वाली स्पेशल हरी मिर्ची। भाई ये हो गई है मेरी प्लेट रेडी, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, प्लेट रेडी कर लिया हम लोगों ने। तो भाई हम लोगों ने स्पेशल बनाई थी ये प्लेट दाल चावल की, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे थे, हमें पता नहीं था गेस्ट का, भाई साफ सीधी सी बात है, हमें पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो यू नो कोई गेस्ट आ रही है, सॉरी सॉरी। तो भाई ये देखो टेस्ट करते रिव्यू देते हैं। बस आप भी ड्रॉप नहीं करना, पहले सब खा लें फिर आपको बताते हैं। आप भी थोड़ा डरसो ना, करीब से मिर्च अच्छी है। तो गाइस जी कह रही हूँ मिर्च से बहुत अच्छी है। मम्मा बहुत टेस्टी वाला। तो भाई ये देख लो, ये मम्मा की दाल है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। बाजार के खाने से तो कुछ ज्यादा, बिल्कुल बाजार के खाने से बहुत अच्छा। भाई हमारे मेहमानों के भी बोल दो, हमारी जो मेहमानों के रिव्यूज है ना वो यही है कि भाई बिरयानी से बेस्ट आपके घर की जो है ना ये दाल चावल प्लेट है। तो भाई अभी जो ना हम लोग पेट पूजा कर लेते, जल्दी जल्दी से खाते पीते ऐश करते हैं मम्मा। तो भाई जल्दी जल्दी हम लोग पेट पूजा कर लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्ती की बर्थडे सेलिब्रेशन भी करनी है, खबर नहीं हो रहा गाइस। बैक यूट्यूब फैमिली गाइस, ये देखें इससे मैंने बनवाई है चाय। मेहमान आ गए ना, चाय बना चाय। मुस्ती के मेहमान ये हमारी बड़ी बहन है गाइस, हमारी हमारी बड़ी बहन आज हमारे घर आई है और ये चाय बनाएंगी और मैं ये जॉर्ज शानदार इसमें डाल के पीवानी। चाय अच्छी नहीं बनाती, आज अच्छी बननी चाहिए चाय। देखो जब मेरा मूड होता तभी अच्छी बनाती, अदरवाइज नहीं बनाती चाय। खाने के बाद इन लोगों ने मुझे लगाया, खाने के बाद तुम लोगों ने मुझे काम पे लगाया। इसके दोस्त जरा इससे बोलो, बड़ी बहन हो तुम मेरी, आगे बढ़ते गले, ये आज बढ़ते गले, जिसकी बर्थडे आई उसी से बनवाओ ना, तो बनाओ बड़ी बहन हो। तो भाई इन लोगों ने मुझे काम पे लगा दिया, कहती चाय बनाओ। इन लोग मेहमान किसी और की है, बहन मेरी है, तुम भाई बड़ी बहन का फर्ज अदा करो। चाय अच्छी चाहिए, पूरी की नहीं बना ली जल्दी में जज्बाती, एक किलो की दूध की चाय बना ले। ये चाय अब तो पूरे की बनाऊंगी, चली जाओ इसी की पूरी चली जाएगी। ओह माय गॉड, तू वही चाय पियोगी जा, तलक लेकर आज कोने में से कप शप लेकर आ, कप शप लेकर बनाई कोने में से कप शप लेकर आ, बड़ी बहन को कप शप की चाय पिलाया हूं। बाबा ना चमाटे मार के बहुत चलो जी हम लोग जल्दी जल्दी चाय बना लेते हैं, ठीक है फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी चाय, टेस्ट करके बताएंगे ना, फिर मिलते हैं। हाँ जी मेरी चाय रेडी हो रही है, ठीक है, और ये फैलावा देख रहे हो किचन में किस तरीके का हो रहा है। सबने मतलब खाना वगैरह खाया और यहाँ सब फैला के चले गए, बर्तन इतने सारे दे गए हैं और यहाँ पर। अच्छा जी, तो आज जो है ना हमारे घर पर आई है मेरी सबसे बड़ी बहन, ठीक है, तो उसके लिए मैं चाय बनाने आई हूँ। उसकी फरमाइश थी कि भाई मेरे हाथ की चाय पिएगी, तो मैं आ गई हूँ। मेरा मूड अच्छा होता है ना तभी चाय अच्छी बनती है, मैंने बस ऐसी मूड में बना दी, पता नहीं कैसी चाय बने। तो भाई हम आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे, और अब इसको थोड़ा मोटा जो किचन है छोटा मोटा उसको हम यू नो सेट कर लेते हैं, बर्तन शर्तन धोते हैं, फिर आपको फाइनल रिव्यू के साथ चाय रिव्यू के साथ मिलते हैं। तो भाई यहाँ जो है ना मुस्ती के बर्थडे सेलिब्रेशन टाइम हो गया, देख सकते हैं आप लोग 12 बजे। हैप्पी बर्थडे समोसी, इसकी बड़ी बहन लेकर आई है, दोस्त भी और बड़ी बहन भी, मतलब हमारी बड़ी बहन। चलो हैप्पी बर्थडे, चलो भाई सेलिब्रेट करें उसकी बर्थडे यहाँ पर। नहीं नहीं यार बीच में रुको 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 एक मिनट, लेके चल रहे हैं लोग, मनाइल चल बना अपनी वीडियो। अस्तगफुरुल्लाह इसका पता लग रहा है ये टिकटॉकर है। चलो भाई खुद करो जो कर रही हो, हमें क्या बोल रही हो, यहाँ पर ही रख ले। चलो हम करें हम उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, भाभी आप आ जाना। अरे तो बस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मा पापा कुछ ज्यादा ही बहुत भाई। मैं खिलाऊंगी ना अब, मत शौक ला दूं बस एक। हम लोगों की हालत देख रही हैं आप,
चाहिए। इसने सरप्राइज दिया हमें आके, हमारी बड़ी बहन ने हमें सरप्राइज दिया, मुस्फिरा की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम आज। और मुझे सिर्फ बताया था, और कहती हम कल आएंगे, लेकिन आज आ गए। मुझे कोई नहीं खिलाने आया, हमने सेलिब्रेट कर ली, बड़ी बात नहीं है। ये पापा की बड़ी बेटी के खिलाते हो पापा को और ये मम्मा को। भाई हम भी तुम्हारी बहन है। अरे 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 भाई उल्टा घुमाया हुआ है, नहीं आएगी। बस इतनी इज्जत थी आपकी। चलो उठो, चलो भाई मेरी जगह से उठो सारे के सारे। ए क्यों डांटती बच्चों को, चलो उठो बस इतनी गाली। गाइस यहां से अच्छे से उठा इसको यहां से, चलो दादा पासवर्ड बस इतनी जती। तो भाई हमने खाना खाने के बाद, चाय के बाद इसकी बर्थडे सेलिब्रेट भी कर ली है, ठीक है जी। और अब हम आपको मिलते हैं टाटा बाय बाय के साथ। तो भाई यहाँ सब कुछ हो चुका है, सेलिब्रेशन वगैरह भी हो चुकी है, और कल ये व्लॉग इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाला, आप सबको मिलने वाला। मुस्फिरा को बर्थडे विश कर दिएगा आप लोग सब इन कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले, अच्छी अच्छी मजेदार मजेदार रेसिपीज आपके लिए लेकर आने वाले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।